वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हमें एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो कि ये है कि अनामिका पेड 4,965 एज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ ₹15,000 आफ्टर 3 years व्हेन कंपाउंड एनुअली। सुमन टुक अ लोन ऑफ 10,000 एट द सेम रेट इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच सुमन इंटरेस्ट डिड सुमन पे आफ्टर 3 years। कहने का मतलब यही है कि अनामिका ने सालाना चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल बाद ₹15,000 के ऋण चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ₹4,965 का भुगतान किया। सुमन ने समान दर पर साधारण ब्याज पर ₹10,000 के ऋण लिया। सुमन ने 3 साल बाद कितना ब्याज अदा किया। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि उसका रेट क्या था, ठीक है। तो रेट हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले केस में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज पता है, जिसका फार्मूला हमें ये पता है कि फार्मूला क्या है, पी इंटू 1+R/100 टू द पावर टाइम -P। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 4,965। पी हमें पता है क्योंकि हमारे पास है 15,000। 1 पता है, आर हमें पता नहीं है। टी हमें पता है, टी कितना है 3 साल, पी हमें 15,000। तो ये 15,000 लगा के जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19,965, जो कि होगा 15,000 इधर, और ये हो गया 1+R/100³। अब ये नीचे चला आएगा तो इसको लिख सकते हैं 1+R/100³, ये हो गया 19,965/15,000। अगर इसे हम लोग काटेंगे तो ये काट के कुछ आएगा 1331/10,000, ठीक है। तो ये जो है आपका 11 और 10 का क्यूब है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1+R/100=11/10। उधर लगे घटाएंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो आर आएगा हमारा 10%, ठीक है। तुम्हें पूछा गया है कि 3 साल बाद सुमन कितना ब्याज देगी अगर वो ₹10 ब्याज लेती है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो समान सिंपल सा है, प्रिंसिपल हमें पता है जो कि मूलधन जिसको कहते हैं हिंदी में, समय भी हमें पता है 3 साल, रेट भी हमें पता ही है, 10 निकाला है हमने, तो बस इसे सॉल्व कर लें तो ये आपका आ जाएगा 3,000। तो 3,000 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है, तो अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।